हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, निष्ठा की ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। इस बार निष्ठा की ट्रेनिंग 3.0 FLN के नाम से है और इस बार आपको 12 ट्रेनिंग करनी है। पिछले साल आपने 18 ट्रेनिंग की, इस बार आपको 12 ट्रेनिंग करनी है। आज की इस वीडियो में हम कोर्स नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू FLN मिशन की एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 4 के आंसर देखेंगे कि इसमें किसकी एक्टिविटी में 2 और 4 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके क्या क्या आंसर होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इसका क्विज का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक्टिविटी 2 और 4 को करने के बाद आपको क्विज करनी होगी जिसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 20 क्वेश्चन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हिंदी मीडियम के टीचर हैं तो आपको हिंदी मीडियम की वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप अपने अनुसार जिस मीडियम के आप टीचर हैं लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप कोर्स को स्टार्ट करेंगे आपको देखना है आपके स्टेट का कोर्स कौन सा है। या तो आप दीक्षा पे जाके कोर्सेज को देख लीजिए। आप जैसे ही इंट्रोडक्शन टू FLN मिशन लिखेंगे तो आपके सभी स्टेट के कोर्सेज आ जाएंगे। आपको अपने स्टेट का कोर्स सेलेक्ट करना है वरना आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक से क्लिक करके आप उसे स्टार्ट कर दीजिए। तो हम इसमें कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें दीक्षा को ओपन करना होगा। जैसे हम दीक्षा को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कोर्स ओपन होके आ जाता है। अब हम इसमें एक्टिविटी नंबर 2 को देखना है। कोर्स को आपको ध्यान से करना है। उसके बाद जैसे ही आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने एक्टिविटी नंबर 2 आएगी। वैसे तो एक्टिविटी नंबर 1 भी है, शेयर योर रिफ्लेक्शंस। इसमें से रिफ्लेक्शन शेयर करनी है, उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। एक्टिविटी नंबर 2 में चेक योर अंडरस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाती है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपका एक्टिविटी 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन सच एज फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एटसेट्रा आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपका ट्रू होगा। ट्रू पे आप क्लिक करेंगे और ट्रू पे क्लिक करने के बाद एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका राइट का निशान लग के आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट के क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन आ जाता है द एज ग्रुप फॉर यंग चिल्ड्रन कमिंग टू प्री स्कूल इज 33 to 6 ईयर्स। ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रू है। तो ट्रू पे हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, प्रिंट अवेयरनेस एट्रेक्शन आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एट द प्री स्कूल स्टेज। ट्रू और फॉल्स? तो ये हमारा फॉल्स होगा। इसमें हम फॉल्स पे क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एट प्री स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट लर्न बाई प्ले बेस्ड एज एंड डेवलप मेंटली एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज एंड मटीरियल। तो इसमें आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। हम फॉल्स पे क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा प्री स्कूल एजुकेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ FLN, ट्रू और फॉल्स? तो इसमें हम ट्रू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें हमारा स्कोर 5 out of 5 हो गया।
तो इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी नंबर 2 हुई। अब हम एक्टिविटी नंबर 4 के लिए बैक जाएंगे, इसमें ठीक है पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर बैक करेंगे। देखिए वैसे आपको तो आगे ही बढ़ना है, लेकिन मैं आपको केवल एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही हम एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे, देखिए एक्टिविटी नंबर 2 हमारी हो गई है, उसके बाद हमें एक्टिविटी नंबर 4 पे जाना है। तो नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एफएलएन मिशन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इसमें एक्टिविटी नंबर 4 है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इससे फिर हमें आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 4 हमारे सामने आ गई है, इसमें देखिए क्या है एक्टिविटी नंबर 4, स्टेट एग्री एंड डिसएग्री। आपको इसमें एग्री और डिसएग्री बताना है। एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने पहला प्रश्न होगा, वंस स्टूडेंट फॉल बिहाइंड ऑन एफएलएन दे टेंड टू मेंटेन फ्लैट लर्निंग कर्व्स फॉर इयर्स एंड आर प्रीपिचुअली अनेबल टू कैच अप। आपको बताना है कि ये एग्री है आप इससे या डिसएग्री है। बिल्कुल हम एग्री हैं, एग्री पे हम क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए स्टूडेंट अलोंग विद देयर स्कूल्स टीचर्स पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज मस्ट बी अर्जेंटली सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड इन एवरी वे पॉसिबल टू हेल्प कैरी आउट दिस ऑल इंपॉर्टेंट टारगेट एंड मिशन विच इंडीड फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ ऑल फ्यूचर लर्निंग। आपको बताना है कि आप इससे डिसएग्री हैं या एग्री हैं। तो इसमें भी हम एग्री पे क्लिक करते हैं, एग्री पे हमने क्लिक किया, एरो के निशान से आगे बढ़े तो ये भी हमारा सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाएगा, देखिए द विजन ऑफ एफएलएन मिशन इज टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्विसिएशन ऑफ एफएलएन इन प्राइमरी क्लासेस बाय 2025 सो दैट एवरी चाइल्ड अचीव्स द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमेरेसी एट द एंड ऑफ क्लास 3rd एंड नॉट लेटर देन क्लास 5th। तो आपको बताना है कि आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं। तो इसमें भी हम एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और एरो के निशान से छोटा कर देते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं, तो ये अभी हमारा सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, लर्निंग शुड नॉट होलिस्टिक इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। डिसएग्री और एग्री, देखिए बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो हम इसमें डिसएग्री पर ही क्लिक करेंगे। डिसएग्री पे हमने क्लिक किया, एरो के निशान से आगे बढ़े तो ये भी हमारा सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटेनिंग एफएलएन फॉर ऑल चिल्ड्रन मस्ट नॉट बिकम एन इमीडिएट नेशनल मिशन। डिसएग्री और एग्री, तो इसमें हम एग्री पे क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं, ये हमारा गलत हो गया है। सॉरी, ये गलती से हमें एग्री की जगह हमें डिसएग्री पे क्लिक करना था। इसमें आप इसमें डिसएग्री पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप ट्राई अगेन करेंगे तो आपके सामने सारे क्वेश्चन दोबारा आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारा स्कोर 4 out of 5 हो गया है। इसमें हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें दबाने में, तो आप उसको सही कर लीजिए, वो आपका डिसएग्री होगा। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न हुए, आपका स्कोर 5 out of 5 इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 4 इसमें हो चुकी है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।